सकता है, कीट फ्लाई ये सब, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अभी आप चला सकते हैं कोई भी एक मतलब अच्छा टेक्निकल चलाइए, जैसे ऊलाला हो गया आपका। ये फल में आ चुका है और ये देखिए इसमें एक समस्या आ रही है, और जैसे फल फट रहा है तो ये जब बोरान डेफिशिएंसी के नाम से होता है, ठंड में धूप कम मिलता है। ये जो आपका ये वाला देखेंगे आप, ये आपका अर्ली ब्लाइट का था, तो अभी दवाई करने के बाद ये सूख चुके हैं, तो ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट उसका एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टमाटर। देखिए टमाटर के खेत में हम लोग हैं और इस टमाटर के बारे में जानेंगे हम किसान से कि उन्होंने कौन सी वेरायटी है, कब लगाए थे और कैसा इसका ग्रोथ रहता है, सब जानेंगे। आइए जानते किसान से। नमस्कार भैया, तो नमस्कार, आप हमें बताइए कि ये कौन से वेरायटी का टमाटर है? तिरासी ये 17 की है, 83-23। तेईस इसकी रुपाई कब किए थे आप? अब इसकी रुपाई अपन किए थे जुलाई लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग या आप ये बताइए कि इसके लगाने के कितने दिन बाद आप पहला बेसल दिए थे? तो में। जैसे लगाने के 15 दिन बाद ही अपना पहला बेसल दे देते हैं अपन इसमें, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। और उसके मगर बाद दूसरा कब देते हैं आप? दूसरा इसमें जब फल अपना अगर मिल गया, दूसरा का बैसल का टाइम मिल जाता है तो अपन करते हैं, नहीं तो दूसरा नहीं करते। दूसरा देना है आपको तो फ्लावरिंग के जब चालू होता है तो उस समय आप दूसरा बैसल इसमें दे सकते हैं, मतलब पहला बेसल आप 15 दिन बाद दे दीजिए, उसके बाद जब फ्लावरिंग चालू हो उसके बाद तब दूसरा उसके दे बाद दीजिए। एक बैसल और दे दीजिए उसमें, अच्छा तब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करके दे दीजिए। नॉर्मल वाले में आपका SOP DAP यूरिया और पोटास लगेगा, मगर सेकेंड वाले में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट और थोड़ा सा ह्यूमिक और ये सब मिला के देंगे, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग को बूस्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए मेरा फ्लावरिंग हो रहा है पौधे में और झड़ने लगे, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? आप प्लानोफिक्स यूज़ कर सकते हैं, प्लानोफिक्स फ्लावर को सेट कर देगा, फल का साइज इंक्रीज करेगा, फल का चमक शाइनिंग ये सब इंक्रीज कर देता है वो। और बाकी आप लियोसिन यूज़ कर सकते हैं, वो पौधे के ग्रोथ को रोक के वो भी फ्लावर की तरफ इंक्रीज कर देता है पौधों को, मतलब तो जितने एंजाइम उसका जो अपना ब्रांचिंग को डेवलप करने के लिए रखते हैं, वो सब डेवलप होके चले जाते हैं आपका, डाइवर्ट होके चले जाते हैं फ्लावर को सेट करने में। मान लीजिए कि मैंने टमाटर लगा दिया है, इसमें जो व्हाइट व्हाइट लगता है, एक कीड़ा लगता है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख लीजिए, हाँ ठीक है, ये कौन सा कीड़ा होता है? ये आपका है वाइट फ्लाई है, ये व्हाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई है। तो और जब ये जैसे अभी का जो क्लाइमेट चल रहा है इसमें आपका व्हाइट फ्लाई और चूसक और थीफ और माइट ये लगेंगे, और बाकी बरसात में आपको जितने इल्ली हैं और फ्लाई हैं वो लगेंगे। तो अभी वाला जो ये लगता है कीट फ्लाई ये सब, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अभी आप चला सकते हैं कोई भी एक मतलब अच्छा टेक्निकल चलाइए, जैसे ऊलाला हो गया आपका, अबासीन हो गया, और ये सब फ्लाइज के लिए है, और चूसक के जितने भी रहते हैं थीफ्स माइट ये सब के लिए चलते हैं, ये सब टेक्निकल चलते हैं इसमें। जैसे मैं मेरा अभी टमाटर क्या है कि मैं आपका देख रहा हूँ, ये फल में आ चुका है और ये देखिए इसमें एक समस्या आ रही है, और जैसे फल फट रहा है तो ये जब बोरान डेफिशिएंसी के नाम से होता है, ठंड में धूप कम मिलता है तो उसके नाम से क्या होता है, बोरान की जो कमी है वो बोरान डेफिशिएंसी के नाम से, वो अपना क्रैकिंग की प्रॉब्लम आता है उसके नाम से आता है। तो इसके लिए क्या मतलब करना अपन चाहिए? कुछ नहीं, आप बोरान का एक बार स्प्रे कर देंगे इसमें, आप एक हफ्ते में एक बार बोरान का स्प्रे अभी कर दीजिए, फिर एक हफ्ते बाद उसके बाद फिर से बोरान का स्प्रे कर दीजिए, वो फ्रूट क्रैकिंग रुक जाएगा। जो हो चुके हैं वो तो नहीं होगा, मगर जो नेक्स्ट वाला है वो अपना रुक जाएगा, वहीं पर नहीं होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने ये टमाटर लगाया है और ब्रांचेस नहीं निकल रहे, तो उसके लिए कुछ दवाई अब होते हैं बाहर ब्रांचिंग के से? लिए आप यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए 12-61 हो गया, ब्रांचिंग को इनहैंस करें, फास्फोरस का आप क्वांटिटी जो भी फास्फोरस रिच कार्ड है उसको आप बढ़ाएंगे तो ब्रांचिंग का करना चालू कर देगा वो। जैसे अच्छा, कभी के लिए ठंडी में हो गया कैल्शियम नाइट्रेट देंगे तो वो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि प्लांट अभी तो सनराइज से नाइट्रोजन ले नहीं पाते हैं, तो आप कैल्शियम चलाइए, मैग्नीशियम चलाइए, ये सब अभी ठंड के लिए यही बेटर चलेगा। अभी जैसे मतलब बीते दिनों में पिछले हफ्ते बारिश हुआ था यहाँ पे, तो बारिश जैसे हो जाता है तो कुछ किसानों को क्या समझ में नहीं आता है कि अब क्या करेंगे, मतलब बारिश हो गया, सब जो टमाटर का फल है वो सड़ रहा है या पत्ते जल रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी दवा चला सकते हैं आप? देखिए एक तो आप अगर मौसम ख़राब लग रहा है तो आप एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जैसे मान लीजिए सेनी पाइप हो गया, टेक्निकल है जिसका एंट्राकॉल हो गया, आप वो चला दीजिए, वो बेस्ट है, प्रिवेंटिव है ये। अब उसके बाद आप बारिश ख़त्म होने के बाद फिर एक बार चला दीजिए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है। और उसके बाद आप जैसे मान लीजिए आप लग रहा है मौसम ख़राब होने वाला है, बारिश की संभावना लग रही है, आप उससे पहले एक फंगीसाइड चला दीजिए कोई भी सा, जो अंतर सिस्टमेटिक फंगीसाइड हो, जैसे नेटिवो हो गया और आपका
रेडोमिल हो गया, ये सब का वो है सिस्टमेटिक है, तो ये सब आप चला देंगे तो ये तो पानी अपना बरसात को झेल के निकल जाएगा पौधा इसके बाद। और जैसे जैसे ही मैं बरसात खत्म हुआ फिर एक आप नॉर्मल कोई भी था कॉन्टेक्ट फंगीसाइड साथ में नॉर्मल चला दीजिए उसके लिए। आपके पौधे में देख रहा हूँ कि ये समस्या जो है, ये पत्ता जो ऐसा हो गया है। ये उसी का है एसिड जेसिड और थिप्स, अच्छा, और ये एसिड जो जैसे हाँ थिप्स। इसका अच्छा, थिप्स का है उसके नाम से ये जो पत्ते हैं जो सिकुड़ने चालू हो गए थे। और ये है ठंड में थोड़ा सा क्या होता है न्यूट्रिशन बहुत कम ले जाता है पौधा, तो उसके नाम से भी होते हैं। तो उसके लिए अपने को वही अपन बताए कैल्शियम चलाइए मैग्नीशियम, ये सब डायरेक्ट पौधा लेना चालू कर देता है तो वो उससे रिकवर हो जाएगा। मतलब उससे और रिकवर ये जो हो कुछ लग रहे हैं आप उसमें लीफ माइनर के भी हैं और इसमें जाएगा। डाउनी और पाउडरी का इफेक्ट था उसके नाम से भी है। इसमें अच्छा, सिम्टम एक ही पौधे में तीन चार सिस्टम दिखेंगे आपको ऐसा लगेगा, जैसे ये लीफ माइनर के थे जो लीफ माइनर खत्म हो चुका है ये सब। अच्छा, ये जो आपका ये वाला देखेंगे आप ये आपका अर्ली ब्लाइट का था, तो अभी दवाई करने के बाद ये सूख चुके हैं तो ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट उसका सिम्टम। तो कुल मिला के आप ही बताइए कि टमाटर लगाने लायक है कि नहीं। देखिए टमाटर अगर आपको लगाने लायक है मतलब ब्रांचिंग इसमें कम आती है मगर जो फ्लावर सेट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, बंच आप देख ही रहे होंगे। मगर इसमें एक ही दिक्कत है कि इसका जो कंपनियां बोलती हैं 67 दिन में पीकिंग आप ले सकते हैं, मगर पीकिंग आप नहीं ले सकते। आप इसका पीकिंग पहला हार्वेस्टिंग आपको लेना है तो आपको 90 दिन से 95 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वो सेट होने के बाद भी अपना जो पकना है उसमें बहुत लंबा डिले ले लेता है, बहुत डिले करता है ये पकने के लिए। फ्लावर सेट होने के बाद माल तैयार होने के बाद भी जो इसका पीकिंग हार्वेस्टिंग टाइम है बहुत लंबा इंक्रीज हो जाता है। ये सिर्फ हार्वेस्टिंग के नाम से बस सही नहीं है बाकी इसका सब चीज़ सही है। ठीक है भैया, इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और भी अगर आपके पास इससे बेहतर जानकारी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ फसलों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए करके बताइए, हम उसका भी वीडियो लेके आएंगे और आपको ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, जानकारी मिलते रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।